हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मेडिकल टर्म्स बताने जा रहा हूं। अगर इन टर्म्स को आप नहीं जानते तो आप बाइपोलर डिसऑर्डर को नहीं समझ सकते। तो जो टर्म्स मैं बताने जा रहा हूं उसकी जानकारी जरूर लें। बाइपोलर डिसऑर्डर से संबंधित जितने वीडियो आप देखेंगे ऐसा एक भी वीडियो नहीं हो सकता जिसमें इन टर्म्स के बारे में बात ना की गई हो। और ये मेडिकल टर्म है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप बाइपोलर डिसऑर्डर या जिसको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर कहते हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा हूं। मैं जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूं। मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं, डिएडिक्शन एक्सपर्ट हूं। तो आप लोगों के लिए मैं यहां पर यह चार्ट बनाकर रखा हुआ हूं जिसको कहते हैं हम मूड चार्ट। अब देखिए मूड क्या होता है। मूड एक परवेसिव सस्टेन्ड फीलिंग टोन होता है, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं मतलब इसी पल, इसी समय, इसी लम्हे नहीं, काफी समय से, कुछ दिनों से, सप्ताह से, दो सप्ताह से आपका मन किस प्रकार बना हुआ है। या तो खुश है, या दुखी है, या चिड़चिड़ा है, हम उसको मूड कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मूड चार्ट है। मूड की दो पोलैरिटी होती है मोटे तौर पर। मूड या तो आपका खुश होगा, या तो आपका दुखी होगा, या तो आपका सामान्य होगा। अगर सामान्य आपका मूड है, मतलब मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं, आप कहेंगे साहब मैं ठीक हूं, आई एम ओके। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम ओके। आई एम फाइन, आई एम ओके। यू आर फाइन, यू आर ओके। यूथाइमिक मूड मतलब एक सामान्य मन है। अगर हम कहते हैं कि आपका मन कैसा है, सामने वाले के साथ में कोई विशेष प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है, जीवन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, वो कह रहा है मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी एडिक्वेट रीजन, मीनिया, यहां से हैप्पीनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड है आदमी, पर उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कोई ओलंपिक का मेडल नहीं जीत गया है, कोई आईएएस के एग्जाम में नंबर वन नहीं आ गया, बट वो कह रहे हैं कि साहब हम मैं बहुत खुश, बहुत 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 खुश। आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा खुशी होगी कि वो इन्फेक्शियस सा होगा, आपको लगेगा इतना खुश, इतना हंसी में क्यों है। ये है वो मीनिया में। और आप समझ ही सकते हैं कि ये जो मूड है, मैनिक स्टेट, ये एबनॉर्मल मूड है, पैथोलॉजिकल मूड है, नॉर्मल नहीं है। तो ये यूथाइमिया मतलब एक नॉर्मल मूड से मेनिया के मूड में यूजुअली बिल्कुल क्विक जंप नहीं होता। इवन मेनिया को डायग्नोस करने के लिए हमें एटलीस्ट 1 वीक की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हम मेनिया का डायग्नोस करते हैं। या अगर आप मुझसे कल मिले और कल आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में थे, नॉर्मल मूड में थे, और आज मिले और आप बिल्कुल मैनिक कंडीशन पर पहुंच चुके हैं और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तब मैं मेनिया डायग्नोस कर सकता हूं इवन विद इन 1 डे ऑफ ड्यूरेशन। अब आप देख सकते हैं यहां यूथाइमिया टॉप लेवल, मेनिया। अगर यूथाइमिया और मेनिया के बीच में मूड स्टेट है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया से नीचे की मूड स्टेट हाइपोमेनिया। इसमें भी आदमी खुश होगा, हैप्पीनेस होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होगा कि हमें बिल्कुल ग्रॉसली एबनॉर्मल लगे। आप पूछेंगे मन कैसा है, बोलेगा बहुत बढ़िया, एकदम ठीक, आप बताइए कैसे आप, मतलब नॉर्मल ही अपीयर होगा। कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट जब बहुत अच्छे से इंटरव्यू करेगा, हिस्ट्री एलिसिट करेगा, पर्सनालिटी असेसमेंट करेगा, तब शायद वो बता सकता है कि इसका मूड स्टेट इलेवेटेड है। और उससे भी ज्यादा बेहतर वो लोग बता सकते हैं जो रेगुलरली उसके आसपास रहते हो, क्लोज रिलेटिव्स हो। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो ये आज कुछ ज्यादा खुश खुश नजर आ रहा है। हम लोग कहते हैं ना अपने आसपास दोस्त बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर आना, मैंने फिर कहा खुश सामान्य सी खुशी, किसी वजह के कारण होने वाली खुशी, एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल नहीं है। लेकिन कोई कॉज नहीं है आपकी खुशी के पीछे और आप सामान्य से ज्यादा हैप्पीनेस के मूड में हो, कॉन्स्टेंटली हो, कम से कम 4 दिन होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि पेशेंट हाइपोमैनिक कंडीशन या स्टेट, मूड स्टेट में है। अब एक होता है हाइपरथाइमिक टेम्परामेंट। आपने बहुत बार सुना होगा यार बहुत हाइपर आदमी है, ये आदमी हाइपर है। हाइपर मतलब वो आदमी जो थोड़ा सामान्य से ज्यादा बोलता है, सामान्य से ज्यादा खुश रहता है, सामान्य से ज्यादा थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं उसको मैं देख लूंगा, अरे तुम जानते नहीं हो किसके साथ चलो, चलो चलो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। नॉर्मल है बिल्कुल एबनॉर्मली, और इतना हाईली एलिवेटेड मूड नहीं है कि कुछ भी बात कर रहा है और कोई बैकग्राउंड में उसके सपोर्टिव मेजर्स नहीं है। मतलब
हो सकता है कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं तो हो सकता है उसके बड़े बड़े लोगों से हाय हेलो हो, संबंध हो, पहचान हो, तो बोलेगा मैं मामले को देख लूंगा, तुम किसके साथ चल रहे हो जानते नहीं हो। थोड़ा सामान्य से नॉर्मली इलिवेटेड रहने वाले लोग, इसको हम लोग कहते हैं थोड़ा हाइपर आदमी है। तो ये है हाइपरथाइमिक टेम्परामेंट। यूजुअली ये पैथोलॉजिकल मूड स्टेट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एट रिस्क होते हैं टू डेवलप हाइपोमेनिया और टू डेवलप मेनिया। अब ये हो गए इलिवेटेड मूड की बात हमने कर ली कि भाई यूथाइमिया नॉर्मल मूड था, हाइपरथाइमिक टेम्परामेंट देख लिया, हाइपोमेनिया देख लिया, मेनिया देख लिया। ये सभी खुशी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मतलब इंटेंसिटी हैप्पीनेस की या इरिटेबिलिटी की या ग्रैंडियोस टॉक बड़ी बड़ी बातों की बढ़ती जा रही, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में बढ़ रहा है, तो सर्वोच्च स्थिति में आप मेनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके दूसरे पोल की अगर हम बात करें तो यूथाइमिया से अगर लो मूड की ओर आदमी जाता है तो पहले डिप्रेसिव टेम्परामेंट आता है। डिप्रेसिव टेम्परामेंट हमने अभी अभी बात की, हाइपरथाइमिक टेम्परामेंट। डिप्रेसिव टेम्परामेंट हम कहते हैं ना, ये आदमी बड़ा दुखी प्राणी है, दुखी प्राणी डिप्रेसिव टेम्परामेंट। आप उससे बात करेंगे, चलो यहां चले, अरे ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, मतलब आपको लगेगा उतना एनर्जेटिक नहीं है, वो जिंदगी जिए जा रहा है लेकिन उतने उत्साह से, उतनी प्रसन्नता से नहीं जितनी प्रसन्नता से जीना चाहिए। थोड़ा लो है मूड, थोड़ा दबा है, पैथोलॉजिकल नहीं है, दुखी प्राणी है। तो वो दुखी प्राणी है डिप्रेसिव टेम्परामेंट वाला। ये जो दुखी प्राणी है ये एट रिस्क होते हैं टू डेवलप डिस्थाइमिया और टू डेवलप डिप्रेशन। अब आप समझ सकते हैं कि नीचे इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब थोड़ा दुखी प्राणी जो है वो और दुखी प्राणी हो जाएगा तो वो डिस्थाइमिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं डिस्थाइमिया के डायग्नोसिस के लिए, या हम इसे कहते हैं सब सिंड्रोमल डिप्रेशन, मतलब फुल ब्लोन डिप्रेशन में नहीं पहुंचा है पेशेंट, डिस्थाइमिया में है, सब सिंड्रोमल मतलब उससे थोड़ी लो इंटेंसिटी की डिप्रेशन है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि यूजुअली इसके क्राइटेरिया के लिए हमें 2 साल का पीरियड चाहिए होता है, जब उस लो मूड में इंसान 2 साल तक रहे, या यदि एडोलिसेंट में हम डिस्थाइमिया डायग्नोस कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 1 ईयर के ड्यूरेशन चाहिए जिसमें वह पेशेंट लो मूड में रहा हो। अब अगर डिस्थाइमिया से नीचे लो मूड गया तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बहुत सारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए हमें 2 वीक की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर हम डिप्रेशन के डायग्नोसिस बना पाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप एग्जाम में फेल हुए, 2 दिन आप रोए तो आप डिप्रेशन में आ गए, तीसरे दिन से आप ओके हो गए, आप नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं, तो दैट वॉज अ डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड फॉर 2 डेज एज अ फीलिंग, मूड नहीं, एज अ फीलिंग। मूड जब वो कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि मूड चार्ट में हमें किन टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं जानते तो आपको बाइपोलर कोई नहीं बता सकता, समझा सकता। तो आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में किन टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनका मतलब क्या होता है। मैं इस चैनल में इस प्रकार के वीडियो निरंतर आपके लिए लाता रहता हूं। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टन 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 बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। नमस्कार।